हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवादा बाइकर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हीरो की अपकमिंग टॉप 4 बाइक्स जो कि बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। हीरो इस साल के फेस्टिवल सीजन तक कई अपनी नई बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बाइक्स की सारे जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है हीरो एक्सपल्स 200 4V। अभी हाल में ही हीरो एक्सपल्स 200 के न्यू मॉडल को टेस्टिंग पे स्पॉट किया गया है। कंपनी इस बाइक की टेस्टिंग को काफी हद तक कंप्लीट कर चुकी है। अभी हाल में ही इसको डीलरशिप पे भी स्पॉट किया जा चुका है। ऐसे रूमर्स और लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं कि बाइक की एडवर्टाइजमेंट शूट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर कोई भी बाइक इसको परचेज करने वाले हैं तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम वेट कर लें। हीरो बहुत ही जल्द इसके न्यू मॉडल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है। नया मॉडल पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाइक में आपको नया कलर स्कीम देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ब्लैक एंड ब्लू ड्यूअल टोन कलर की फ्यूल टैंक ऑफर की जाएगी। उसी के साथ ही आपको फ्यूल टैंक पे 4 वोल्ट का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। हीरो एक्सपल्स के करंट मॉडल में आपको 2 वोल्ट का इंजन ऑफर किया जाता है अभी, जिसमें आपको 17.8 पीएस तक का पावर मिल जाता है और 16.4 एनएम तक का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। न्यू मॉडल में आपको 200 सीसी का 4 वोल्ट इंजन ऑफर होने वाला है। इसमें आपको 20 पीएस तक का पावर ऑफर किया जाएगा, जिसकी वजह से बाइक में अब आपको बेटर टॉप एंड और टूरिंग व्यूज देखने को मिलने वाला है। करंट मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,21,000 है और वहीं इसके न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,23,000 देखने को मिलने वाला है। वहीं हीरो को फेस्टिवल सीजन तक लॉन्च करने वाली है। अगर लेट भी हुई तो ये बाइक आपको नवंबर तक आपके नजदीकी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। हमारे लिस्ट की 3rd बाइक है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। अभी हाल में हीरो एक्सट्रीम 160R के न्यू मॉडल को डीलरशिप पे स्पॉट किया गया है। सोर्सेज और लीक्स के हिसाब से हीरो एक्सट्रीम 160R और एक्सपल्स के न्यू मॉडल को एक ही साथ हीरो लॉन्च करने वाली है। इसका एडवर्टाइजमेंट शूट भी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर कोई भी भाई इसको परचेज करने वाले हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम वेट कर लें। हीरो बहुत ही जल्द कई नई मॉडल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है। एक्सट्रीम 160R के न्यू मॉडल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं की गई है। इसमें आपको सेम पुराने मॉडल जैसा ही लुक और फीचर्स ऑफर किया जाएगा। इसके इंजन को कंपनी थोड़ा ट्यून करके लॉन्च करने वाली है, बट आपको पावर स्पेक्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको नए कलर स्टेल्थ ब्लैक ऑफर की जाएगी, जिसका की पिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके करंट मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,12,000 है और वहीं इसके न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,15,000 तक का देखने को मिलेगा। वहीं हीरो इसको फेस्टिवल सीजन तक लॉन्च करने वाली है। अगर लेट भी हुई तो ये बाइक आपको नवंबर तक आपके नजदीकी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। ऐसे लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि हीरो इसको एक्सपल्स और एक्सट्रीम 160R के न्यू मॉडल को दोनों को एक ही साथ लॉन्च करने वाली है। हमारे लिस्ट की 2nd बाइक है हीरो हंक 190R। सबसे पहले बात करेंगे इसके लुक और कुछ फीचर्स की, तो बाइक का लुक पुरानी हंक से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। हीरो इसके लुक को काफी अट्रैक्टिव और बल्की रखने वाला है। फ्रंट में आपको एलईडी डीआरएल्स और हैलोजन हेडलाइट की सेटअप दी जाएगी। वहीं बाइक में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स और हैलोजन ही टेल लाइट देखने को मिलेगा। इसकी बॉडी अब ज्यादा शार्प और ज्यादा बल्की विद डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। लुकिंग वाइज ये बाइक काफी बल्की और एग्रेसिव फील देने वाला है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या यह बाइक 200 सीसी सेगमेंट में अपनी कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी। बाकी इसमें आपको सेमी डिजिटल कंसोल ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गॉज, टाइम जैसे ही कई सारी बेसिक फीचर्स शो होगी। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी। अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको सेम हीरो की एक्सट्रीम 200S का इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि 199.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक FI एयर कूल्ड BS6 कॉम्पैक्ट OHC इंजन देखने को मिलेगा, जो 18.1 पीएस तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 8000 आरपीएम पे और 17.1 एनएम तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 6500 आरपीएम पे। इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसमें आपको काफी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर की जाएगी। इसको हीरो ने डायमंड फ्रेम पे बिल्ड किया है। बाकी इसमें आपको 37mm का टेलीस्कोपिक विथ डबल DU बूस्ट सस्पेंशन मिलेगा और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अभी बात करें इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो इसका प्राइस 1,10,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 1,30,000 तक देखने को मिल सकता है। लॉन्च होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्राइस टैग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, बट ये डिफरेंस ज्यादा नहीं, 5 to 8,000 तक का ही होगा। इंडिया में इसकी लॉन्चिंग के देखें तो हीरो इसको इंडिया में लॉन्च अभी करने में ज्यादा हीरो को प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाला है। ये बाइक पहले भी VS4 में सेल की जाती थी, बट अभी इसका लॉन्च रेट कन्फर्म नहीं है।
हीरो काफी टाइम से इसके प्रोडक्शन पे वर्क कर रही है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसका 2022 के फर्स्ट मंथ का बताया जा रहा है। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको मैं जरूर बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है हीरो करिश्मा 300R। सबसे पहले बात करें इसके लुक और कुछ फीचर्स की, तो बाइक का लुक पुरानी करिश्मा से बिल्कुल अलग होने वाली है। हीरो इसके लुक को काफी अट्रैक्टिव और बल्कि रखने वाला है। फ्रंट में आपको ड्यूअल LED हेडलाइट सेटअप दी जाएगी, वहीं बाइक में आपको LED इंडिकेटर्स और LED टेल लाइट देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारी लाइट्स फुली LED ऑफर की जाएगी। इसकी बॉडी अब ज्यादा शार्प और ज्यादा बल्कि विद डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी ऑफर की जाएगी, जिससे कि ये एक प्रीमियम क्लास की बाइक होने वाली है। इसमें आपको फुली डिजिटल TFT स्क्रीन वाला कंसोल ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको सारी बेसिक फीचर्स शो होगी, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गॉज, टाइम जैसे कई सारी फीचर्स होगी। इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी। इसमें आपको स्प्लिट सीट भी ऑफर की जाएगी। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट ऑफर किया जाएगा। अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 300cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक F5 लिक्विड कूल BS6 कॉम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 33 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 28 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती हुई देखने को मिलने वाली है। ये पावर फिगर एक्यूरेट नहीं है, बट पावर आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर की जाएगी। इसका टक्कर TVS की अपाची RR310 से काफ़ी रहने वाला है। अगर यह बाइक सेम पावर फिगर के साथ लॉन्च होती है, तो कहीं ना कहीं RR310 के मार्केट को काफ़ी डैमेज कर सकती है। आप फिर कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या ये अपाची RR310 के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं टिक पाएगी। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो इसका प्राइस 2 लाख के अराउंड एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 2,25,000 तक देखने को मिल सकता है। लॉन्च होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्राइस टैग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, बट ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं, 5,000 to 8,000 तक का ही देखने को मिलेगा। इंडिया में इसकी लॉन्च की देखें तो डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। हीरो काफ़ी टाइम से इसके प्रोडक्शन पे वर्क कर रही है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसका 2022 फर्स्ट का बताया जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।